हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडीएच सर चैनल और मैं मेरे चैनल पर राजेश डियाजारे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर या फिर इस स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो के कि केबीसी सीजन 12 जो है इस साल 2020 का, उसका ऑनलाइन ऑडिशन कल जो है 6 जून 2020 को होने वाला था, जो हो चुका है। और उसके संदर्भ में हमने सभी तरीके से जो भी गाइडेंस वगैरह है वो हमने किया था हमारे चैनल के माध्यम से। और कल जो 6 जून 2020 को ऑनलाइन ऑडिशन सोनी लिव ऐप पर होने वाला था वो हो चुका है। और उस ऑनलाइन ऑडिशन यानी कि लेवल 4 जो था, उस लेवल 4 में 2 स्टेज थे। एक स्टेज थी ऑनलाइन जीके टेस्ट और दूसरी स्टेज थी वीडियो अपलोड करना। वीडियो अपलोड करने के लिए 7 तारीख मतलब आज दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया था। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन जीके टेस्ट है, ऑनलाइन जीके टेस्ट में जैसा कि हमने परसों की वीडियो में भी बताया था कि 3 प्रैक्टिस प्रश्न होंगे और 20 मेन प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न के लिए जो है 20 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो कल की टेस्ट संपन्न हुई है और जो 3 प्रैक्टिस प्रश्न और 20 मेन प्रश्न, ऐसे कुल 23 जो प्रश्न हैं वो 23 प्रश्न और उनके जो उत्तर है सही उत्तर वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। हम वीडियो शुरू करें उसके पहले ही हम आपको अलर्ट कर दें, दोस्तों ये जो प्रश्न है ये हमें कल ही हमें पता चल चुके थे। आपको पता है कि हमने जो है, हम प्रतिस्पर्धी नहीं है, हमें केबीसी की ओर से कॉल नहीं आया और उसकी वजह से प्रश्न और उसके 4 ऑप्शन वगैरह इतनी जानकारी हमें आएगी ऐसा हमें लगा भी नहीं था। बट अनएक्सपेक्टेडली जो है कल हमें पूरे के पूरे 23 प्रश्न मिल गए। अब उस पर उसके जवाब भी हमें मिल गए थे। अगर हम चाहते तो कल के कल ही जो है प्रश्न और उसके उत्तर एकदम शॉर्ट में 5 मिनट में हम वीडियो बना सकते थे, पर हमने सोचा कि नहीं। जैसा आप भी जानते हैं कि हम छोटी वीडियो ठीक है बनाना चाहिए, पर सिर्फ प्रश्न और अगर उत्तर अगर देना अगर हमारा मकसद नहीं है उसके अलावा, क्योंकि प्रश्न और उसके उत्तर तो सभी को पता रहता है, उसके अलावा उसी के अंदर जो कुछ डीप नॉलेज है वो हम हमारे वीडियोस के माध्यम से देना चाहते हैं। और करके हमने हर एक प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में, उत्तर तो हमें खैर पता थे, हमने रिसर्च किया और वो जो एक अच्छे से पूरी ग्राफिक्स वगैरह के साथ में बोल सकते हैं, हमने कोशिश की थोड़ी सी, तो ये वीडियो में डिटेल्ड में जो उत्तर है वो हम आपको देंगे। तो प्रश्न के बारे में या फिर उत्तर के बारे में आपको हम एक्स्ट्रा जानकारी भी इस वीडियो में देंगे। तो पहले ही हम आपको अलर्ट कर दें कि ये वीडियो में थोड़ी लंबी है और इस हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं अभी फ़िलहाल अगर देखूँ तो मैं अभी 6 तारीख के रात को ही शूट कर रहा हूँ दरअसल देखा जाए तो जो है आपको कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह आ सकती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से हमेशा की तरह। और दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा अंत में। और इस वीडियो को अगर आपको ये पूरा नॉलेज अगर पसंद आता है, लंबाई एक एस्पेक्ट छोड़ दे दो, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो के पीछे पूरी रिसर्च के पीछे बहुत मेहनत लगाई है। तो अब दोस्तों हम समय नहीं गवाएंगे और हम पूरे 23 प्रश्न और उनके जो डिटेल्ड उत्तर हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, ये ग्रुप, ये जो हमने व्हाट्सएप खोला है, एक्चुअली ये एक ग्रुप मैंने स्वयं बनाया हूँ और ये सिर्फ इस प्रश्न और उत्तर को कंपाइल करने के लिए बनाया हूँ, बाकी ऐसा कोई ग्रुप है नहीं। और ये जो है केबीसी ऑनलाइन में पहला जो प्रश्न था इसका, मतलब केबीसी ऑडिशन के लिए, ऑनलाइन ऑडिशन के लिए। अब पहले ही हम और एक चीज़ बता दें कि ये जो 23 प्रश्न है हमने कन्फर्म किए हैं जिन्होंने ऑडिशन दिया है उन्हीं से कि ये 23 प्रश्न बिल्कुल सही है। हाँ, इसका ऑर्डर जो है वो परफेक्ट है या ऑर्डर आगे पीछे हुआ है हम नहीं जानते, पर हमें जिस ऑर्डर में प्रश्न आए हम वही ऑर्डर में दे रहे हैं। तो अब जो 23 प्रश्न है, 3 प्रैक्टिस और 20 मेन, ऐसे 23 प्रश्न में से पहला प्रश्न जो था, अब वो नंबर आगे पीछे हो सकता है दोस्तों, हमें इनके ऑप्शंस नहीं मिले। और वैसे भी ऑप्शन से करना क्या है, आपको उत्तर जानना है, हम उत्तर भी देंगे आपको। इनमें से किसे यंत्रीकृत प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, ये प्रश्न था। इसके 4 विकल्प थे, 4 विकल्प हमें पता नहीं है कौन से दिए गए थे, पर इसका सही जवाब है जोहान गुटेनबर्ग, या आपको हिंदी में योहानिस गुटेनबर्ग भी ऑप्शन दिखाया गया होगा तो वो भी सही है, योहान गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग आंसर सही है।
और हमने जैसा कि कहा, हम स्पष्टीकरण के साथ उत्तर देंगे। इस प्रश्न के स्पष्टीकरण में हम आपको बता दें कि यांत्रिक छपाई की प्रेस की रचना जो है वो सबसे पहले जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने सन 1439 में की थी। आप अगर इस स्पष्टीकरण में अगर चाहे आपको तीन उत्तर मिले, किसने की थी, कब की थी, तो 1439 में की थी और जोहान गुटेनबर्ग कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। अब अगर आप जोहान गुटेनबर्ग की इमेज देखना चाहे तो हम आपको जोहान गुटेनबर्ग की इमेज भी आपको दिखा देते हैं। ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रही है ये है जोहान गुटेनबर्ग। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस नाम का अर्थ विजयी या विजेता होता है। इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन थे। सही उत्तर है इस प्रश्न का अभिजीत, और स्पष्ट ये जो अभिजीत का अर्थ होता है, अभिजीत नाम का जो सही मतलब होता है वो होता है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण विजयी होते हैं करके अभिजीत का भी मतलब होता है विजयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अभिजीत। प्रश्न क्रमांक तीन है, संस्कृत में अल्पना नाम का अर्थ इनमें से क्या होता है। अभी एक्चुअली अल्पना नाम होता है ऐसा हमें भी पता नहीं था, अभी आपको पता है कि हम क्या बोलेंगे, हमें भी मतलब इस नाम का मतलब देखा हमने। तो अल्पना नाम का जो सही उत्तर है मतलब कि अर्थ है वो होता है प्रसन्न। प्रसन्न मराठी वर्ड है ऐसा हम सोच रहे थे अब तक तो, पर प्रसन्न हिंदी में भी होगा शायद। प्रसन्न इंग्लिश में अगर हम बोले तो हैप्पी। तो स्पष्टीकरण की इसकी और भी हम मतलब मीनिंग है, जैसे कि एक सजावटी डिज़ाइन को भी अल्पना बोलते हैं, सुंदर यानी ब्यूटीफुल को भी अल्पना बोलते हैं, खुशी यानी हैप्पीनेस यानी प्रसन्न ही हो गया, और रंगोली का भी नाम है अल्पना। तो ये सही उत्तर है दोस्तों, अल्पना नाम का जो अर्थ है वो प्रसन्न यानी खुशी है। अगला प्रश्न था दो, यहाँ ये अब अगर हमें जिस ऑर्डर में प्रश्न आए हैं उस वो ऑर्डर अगर सही होगा तो हम ऐसा मानते हैं, अगर ये ऑर्डर सही होगा तो हम ऐसा मानते हैं कि अभी हमने जो तीन प्रश्न दिखाए वो तीन प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस रहे होंगे, और प्रश्न क्रमांक चार से जो है आगे के जो 20 प्रश्न हैं वो इवेल्युएट हुए होंगे, यानी वो प्रश्न मेन पूछे गए होंगे अगर ये ऑर्डर सही है तो। चौथा जो प्रश्न है वो है, 2020 में किस देश ने फाइनल में भारत को हरा कर ICC T20 महिला विश्व कप जीता है। मुझे उम्मीद है आपने अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने ये मैच देखे होंगे। महिला क्रिकेट की मैच आज तक आजकल कम देखी जाती है खैर, पर अभी भारत में महिला क्रिकेट भी देखा जाता है, और ये जो मैच है ये भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। तो आपको उत्तर मिल गया होगा इस प्रश्न का, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। 2020 ICC महिला T20 विश्व कप जो है वो T20 विश्व कप टूर्नामेंट जो होता है महिलाओं का, उसका सातवां संस्करण था इस बार, मतलब सातवीं सीरीज थी। और ये जो टूर्नामेंट है 2020 का ये 21 फरवरी 2020 से लेकर 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया होस्ट था इस टूर्नामेंट का। और जो फाइनल मैच है वो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि 21 फरवरी से 8 मार्च तक, तो 8 मार्च आपको पता है इंटरनेशनल वुमेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ये मैच हुई थी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और इसमें जो मेज़बान ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने भारत को 85 रनों से हरा कर यह टूर्नामेंट जीता था। और इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5वीं बार जो महिला क्रिकेट विश्व कप T20 है को जीतने का खिताब हासिल किया। अगला सवाल पूछा गया था कि विकास जायसवाल द्वारा स्थापित भारतीय कंपनी गेमेशन टेक्नोलॉजीज ने इनमें से कौन सा गेम विकसित किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लूडो। अब असली में लूडो को उन्होंने विकसित नहीं किया, गेमेशन टेक्नोलॉजीज जो है उन्होंने जो लूडो गेम है, लूडो गेम का एंड्रॉयड एप्लीकेशन iOS एप्लीकेशन जो है उसको मतलब वो है वो ऐप बनाया है। तो अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि पूरी जानकारी जो हम पढ़ के एक एक चीज़ नहीं बताएंगे, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। लूडो किंग जो गेम है आजकल टीवी पर एडवर्टाइज भी आती है, मिका सिंह जो है वो उसके आई थिंक ब्रांड एम्बेसिडर है। तो ये लूडो किंग जो गेम है ये सभी के लिए फ्री है, फ्री टू प्ले है, मोबाइल गेम है, और ये विकास जायसवाल जी की मालिकी की जो गेमेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने बनाया है। और हम और एक चीज़ बता दें, ये जो लूडो गेम है ये एक बोर्ड गेम है, और ये एंशियंट इंडियन गेम ऑफ पाचीसी है, मतलब बहुत पाचीसी का बहुत पुराना गेम है, भारतीय गेम है।
और अगर आपको प्रूफ के तौर पर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, हमें एक बार दिखा दे, स्क्रीनशॉट है ये, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए लूडो किंग, और इसमें जो है लूडो किंग ट्रेडमार्क है गेमेशन टेक्नोलॉजीज का। और यही नहीं, इसके अलावा कैरम किंग और सूडोकू किंग, ये दो गेम भी उन्होंने डेवलप किए हैं। अब इसके आगे का छठवां प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह पर सबसे तेज गति से हवा चलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके भी काम में का ये प्रश्न है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही उत्तर है नेपच्यून। अन्य गैस महाकाय ग्रहों की तरह नेपच्यून पर बादलों के पट्टे हैं जो तेज गति से बहते हैं, और नेपच्यून पर पूरे सौर मंडल में सबसे तेज 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से हवाएं चलती है। अगर आपको नेपच्यून की इमेज दिखनी है, फोटो दिखनी, तो आप ये नेपच्यून इस तरीके से दिखता है। अब सातवां प्रश्न है, अप्रैल 2020 में फेसबुक ने लगभग 43,000 करोड़ रुपये में किस कंपनी के 10% हिस्सेदारी हासिल की है, यानी शेयर खरीदे? इसका सही उत्तर है जियो। फेसबुक की जो वेबसाइट है उन्होंने ही बताया था ये अप्रैल 2020 में, उस वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक, उन्होंने भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो है रिलायंस जियो उसमें या 10% पूछा गया है। एक्चुअली वो 10% नहीं है, आपको भी पता है कि 100% कोई बोलते हैं पर 99.9 रहता है, तो उस तरीके से ये 9.99% हिस्सा जो है वो 5.7 बिलियन यूएस डॉलर, यानी अगर आप कैलकुलेशन किए तो 43,500 करोड़ लिखा है, अगर उस वक्त 43,574 करोड़ रुपये में ये खरीदा गया है, आप सोच के देखिए। और इस डील के साथ ही फेसबुक जो है रिलायंस जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन चुकी है। इसके बाद का प्रश्न है, एसिड अटैक पीड़िता के जीवन पर आधारित फिल्म छपाक की निर्देशिका कौन है? मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने ये छपाक मूवी देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो आपने बिल्कुल देखनी चाहिए। इसका सही उत्तर है मेघना गुलजार। मेघना गुलजार एक फिल्म निर्देशक है, और उन्होंने छपाक, जिसका इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करें तो स्प्लैश होता है, तो वह मूवी मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित है, और उनके द्वारा और उनके साथ ही फॉक्स स्टार जो स्टूडियोज है, फॉक्स स्टार स्टूडियोज के सहयोग से दीपिका पादुकोण द्वारा निर्मित एक फिल्म है। यह आगामी भारतीय हिंदी लिखा है पर एक्चुअली फिल्म रिलीज हो चुकी है, और ये मूवी एक बायोपिक है। लक्ष्मी अग्रवाल, आपको पता होगा जिन पर एसिड अटैक हुआ था, जो वो 15 साल की थी तब, उन पर नईम खान नाम के एक 34 वर्षीय व्यक्ति ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देने के बाद जो है तेजाब फेंक दिया था, मतलब एसिड फेंक दिया था, और उन्हीं के जीवन पर, लक्ष्मी अग्रवाल जी के जीवन पर वो सर्वाइव कर गई, और वो बहुत आज क्या बोलेंगे एक तरीके से वो रोल मॉडल है। और एक जीके का क्वेश्चन आपको हम बता दें कि जो लक्ष्मी अग्रवाल जी है वो शिरोज नाम की एक, अब वो एनजीओ बोले या संस्था बोले जो भी बोले, वो चलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मेघना गुलजार है, उन्होंने ये छपाक मूवी बनाई, दीपिका पादुकोण ने लक्ष्मी का किरदार निभाया था। ये उस मूवी का आप जो है थिएटर रिलीज पोस्टर जो रहता है वो देख सकते हैं। यहाँ पे मेघना गुलजार जी का नाम, एक्चुअली ये लो क्वालिटी पिक्चर था, हमने देखा पूरी रिसर्च किया इसको HD पिक्चर अच्छा सा नाम दिखेगा करके, पर वो हमको नहीं मिला, और ये विकीपीडिया से ये पिक्चर लिया हुआ है, उनको भी हम जो भी है जहाँ से भी हम पिक्चर लिए हैं हम उनको आपको कर्टेसी दिखाए बता रहे हैं साथों साथ ही। अब तक हमने जितनी भी पिक्चर हम आपको दिखाई पूरी की पूरी विकीपीडिया से ही है। और मेघना गुलजार जी ये है मेघना गुलजार जी, और इन्होंने छपाक मूवी डायरेक्ट की, निर्देशित की, और ये जो इमेज है ये बॉलीवुड हंगामा नाम की वेबसाइट पर थी, वहाँ से हमने लिए, हालांकि विकीपीडिया से ही लिए है, पर इसकी आई थिंक ये बॉलीवुड हंगामा के पास इस इमेज के कॉपीराइट होने चाहिए करके हम उनको पूरा जो है मेंशन कर रहे हैं, एक एक को क्रेडिट भी दे रहे हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं कि हम क्रेडिट देने में कभी जो है आनाकानी नहीं करते, हम पीछे नहीं रहते। अगला प्रश्न था, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ था? ये बिल्कुल हाल ही में हुआ था, मतलब फरवरी महीने में ही, तो आपको बिल्कुल पता होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों अहमदाबाद।
आपको भी पता होगा वैसे। और ये जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम है ये 24 फरवरी 2020 को हुआ था अहमदाबाद में, भारत में यानी, और एक रैली थी एक एक्चुअली देखा जाए तो। और ये भी कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था जो इस पर आपको पता होगा अभी जो 14 प्रश्न आए थे उस 14 जो KBC के रजिस्ट्रेशन के लिए, उन 14 प्रश्नों में भी इस प्रश्न के संदर्भ में पूछा गया था कि अहमदाबाद में कहा हुआ था। तो अहमदाबाद में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे हुआ था, आई थिंक शायद उस बारे में पूछा हो या ऐसा ही कोई मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे याद आ रहा है कि शायद इसके बारे में शायद क्वेश्चन पूछा गया था इसके पहले भी। एक तो वो जो मोहाली का ग्राउंड है वो किसके नाम पर है वो एक था शायद, और एक था कि जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के बारे में भी शायद सवाल पूछा गया था जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर पूछा गया होगा तो आपको आई बटन पर लिंक मिलेगी, अगर नहीं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगी, अगर नहीं पूछा गया होगा तो लिंक नहीं मिलेगी, आप देख लीजिएगा। तो अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी की गई थी। सितंबर 2019 में आपको याद होगा ह्यूस्टन टेक्सास में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जो है अमेरिका में गए थे, तब वहाँ पे अमेरिका में हाउडी मोदी नाम से कार्यक्रम रखा गया था मोदी जी को या भारत के प्रधानमंत्री को आप कह सकते हैं के स्वागत के लिए। तो उसी तरीके के कार्यक्रम में उसी प्रतिक्रिया के स्वरूप में ये नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम रखा गया था। और आपको यह भी याद होगा शुरुआत में वो हाउडी ट्रंप करके उसका नाम रखा जाने वाला था, पर किसी कारणवश नमस्ते ट्रंप उस प्रोग्राम का नाम रखा गया था। और इस आयोजन में जो है 1 लाख से भी अधिक यानी लगभग 1.25 लाख लोगों ने उपस्थिति मतलब दर्शाई थी, आपको याद होगा उस रैली में। अब एक और विवाद का हिस्सा अभी भी वो बात चल रही है, कई कोरोना जो मतलब वायरस COVID-19 का जो प्रसार हुआ है कुछ लोग उसे भी जिम्मेदार ठहरा रहे। हम इस बात पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते, हम कोई भी विवाद नहीं चाहते, हम बस बताने हमारा काम था करके बता रहे। और ये जो नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम है दोस्तों, ये नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम का ये पोस्टर है, आपको दिख रहा होगा इमेज पर, ये पब्लिक डोमेन में इमेज है, पब्लिक डोमेन में है मतलब इसका इस फोटो का यूज़ कोई भी कर सकता है, हालांकि ये भी हमने विकिपीडिया से ही ली हुई है। अगला प्रश्न था महाभारत में जन्म के तुरंत बाद कुंती द्वारा कर्ण को त्याग देने के बाद कर्ण को किसने पाला था। एक्चुअली मैं दोस्तों माइथोलॉजी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, नहीं बोल सकते, पर मैं माइथोलॉजी बहुत कम पढ़ता हूँ या मैं माइथोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बहुत कम है, मैं फैक्ट बता दूँ तो। पर फिर भी मैंने कर्ण के कैरेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने एक नॉवेल पढ़ी हुई है, उस नॉवेल का नाम है कर्णाज अल्टर ईगो, और वो सुरेंद्रनाथ मोहंती जी करके एक बहुत मतलब अच्छे राइटर है, उन्होंने ये बुक लिखी है और वो बुक मैंने पढ़ी हुई है। अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो आपने पढ़ना चाहिए, उस बुक की पर का मैंने रिव्यू भी किया था कुछ साल पहले, उस रिव्यू हालांकि वो रिव्यू फ़िलहाल तो भी अपडेटेड उतना नहीं है, उसमें क्या बोलेंगे एक तरीके से पिछला पुराना रिव्यू है, और कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से उस बुक रिव्यू में जो भी कुछ एडिट वगैरह जैसे इमेजेस वगैरह मैंने अपलोड की थी वो गायब हो गई, कुछ लिंक्स काम नहीं करती, पर खैर उसको मैं अपडेट नहीं कर पाया। पर फिर भी उस रिव्यू की अगर आप कंटेंट पढ़ना चाहे तो उस रिव्यू के बारे में, तो उस रिव्यू की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो है आप अगर बुक ख़रीदना चाहे तो बुक की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो जो बुक थी कर्णाज अल्टर ईगो, मुझे याद नहीं वहाँ पे ये था कि नहीं, पर मैंने कर्ण के बारे में पढ़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ इस प्रश्न का उत्तर है अधीरथ, और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि कर्ण को राधेय नाम से पहचानते हैं, और ये जो राधेय है ये महाराज भीष्म के जो सारथी है अधीरथ उनकी पत्नी है। तो इससे कंक्लूजन ये है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कर्ण जो है गंगा जी जो गंगा नदी में बहते हुए जा रहे थे, और तब महाराज भीष्म जो है उनके सारथी मतलब अधीरथ और उनकी पत्नी यानी राधा ने देखा था और उसे गोद लिया था कर्ण को, और फिर उसका लालन पालन जो है वो उन्होंने किया, मतलब अधीरथ और राधा इस दंपति ने किया, और उसी की वजह से उसके बाद में जो है वासुसेन नाम भी दिया गया था कर्ण को।
तो और उस बुक में जो मेन कैरेक्टर है, अगर मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ तो करके बता दूँ, उस बुक के मेन कैरेक्टर का भी नाम है वासु। तो अब मुझे थोड़ा बहुत वो रिलेट हो रहा है। और अपनी पालनकर्ता माता यानी कि राधा के नाम पर ही कर्ण को जो है राधेय नाम से पहचाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, हालांकि माता के बारे में नहीं पिता के बारे में दिया था, तो राधा के पति यानी अधिरथ इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है आपने सही उत्तर लॉक किया होगा। 11वां प्रश्न है मिठाई को पहचाने करके एक प्रश्न था। इसमें प्रश्न ये था कि जिसका नाम एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय शहर के नाम पर है, तो ऐसी दक्षिण भारतीय शहर एक मैसूर है कर्नाटक राज्य में, और उस जो सिटी के नाम पर मैसूर पाक करके जो है डिश है, डिश या स्वीट है, वो आपके मुंह में भी बिल्कुल मुझे पता है पानी छूट गया होगा। तो मैसूर पाक जो है ये कन्नड़ में इस तरीके से लिखा जाता है, मैं मुझे कन्नड़ आती नहीं, अगर मेरे कन्नड़ या उधर की उस एरिया से अगर कोई दर्शक होंगे तो आपको ये गर्व होगा कि आपकी लैंग्वेज भी हमने हमारे चैनल पर कम से कम पोस्ट लिख कर डाले है, हमें नहीं आता उसके बावजूद। तो कर्नाटक का एक मीठा व्यंजन है दोस्तों, अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते होंगे, अगर आप इस वर्ड को सही लिखा है कि नहीं आप वो भी देखिएगा और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो जिसे बहुत सारे घी बेसन मेवा व चीनी से बनाया जाता है। एक्चुअली मुझे स्वीट पसंद नहीं है, मैं बहुत कम मीठा खाता हूँ, पर फिर भी मैसूर पाक नाम सुनकर किसके मुँह में पानी नहीं आएगा यार, बिल्कुल आएगा। तो मूल रूप से इसे मसूर दाल पाक कहा जाता है, मसूर पाक यानी दाल पाक कहा जाता था, और इसे मसूर की दाल से तैयार बेसन से बनाया जाता था। तो अब आप मतलब ये मसूर मैसूर पाक नाम जो है इस मिठाई का, इसके दो कारण आप देख सकते, दो रीज़न देख सकते, एक तो मसूर की दाल का बना हुआ मतलब मैसूर पाक, या दूसरा आप कह सकते हैं कि कर्नाटक में जो शहर है मैसूर उसके नाम से। तो ये हो गया, इसके नाम का जो उद्गम है वो संभवतः इसी मसूर दाल और पाक, किसी खाद्य वस्तु को चीनी की चाशनी में पका कर उसे पर चीनी की परत चढ़ाने को पाक कहते हैं, तो इससे आया होगा, या वो मैसूर शहर भी एक रीजन हो सकता है। अगर आप विकिपीडिया पर पढ़ेंगे तो हिंदी में हमने जो जानकारी बताई है वो लिखा है, और अंग्रेजी में आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ओरिजिनेट हुआ है नाम वो मैसूर नाम मतलब शहर के नाम से हुआ है करके। तो ये दोनों, और अब ये देख लीजिए, चलो चलो यहाँ से आप बस ये है कि उठा के खा नहीं सकते, आपको स्क्रीन पर आप एंजॉय जरूर कर सकते हैं। तो ये मैसूर पाक है कुछ इस तरीके से, उस वो डिश है मतलब स्वीट है। प्रश्न क्रमांक 12 है था इसके बाद, इनमें से कौन सा हिरण अपने प्राकृतिक आवास में सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। इस प्रश्न के प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे हैं, संगई संगे संगाई संगई, आप जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के पहले वो ऑप्शन में था, और जा मैं सही हूँ या गलत हमें पता नहीं है, पर ये दो वर्ड का लेटर एक ही मतलब दो लेटर का दो अक्षरों का जो शब्द है ऐसा एक ही था संगय विकल्पों में, बाकी तीन ऑप्शन जो है कुछ अलग थे, मतलब सांबर चितर कुछ इस तरीके के ऑप्शन थे, मुझे पक्का याद नहीं है। मैंने क्योंकि आपको शुरुआत में ही बताया कि मैंने जवाब नहीं दिए, हमारी जीव प्रतियोगी से जो हमारे चैनल में से सिलेक्ट हुए हैं हमारे चैनल के दर्शक, हम नाम जानबूझकर नहीं ले रहे, आप रीज़न जानते हैं कि जो है आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो उनसे हमने आज बात भी की तो उन्होंने भी कहा कि इसका उत्तर संगय है, और हमने संगय उत्तर तो बिल्कुल सही है बोलना, क्योंकि वो तो हमने भी पता है। स्पष्टीकरण के तौर पर अगर देखें तो संगय या संगय आप जिस भी तरीके से लिखे या पढ़े, तो मणिपुर में पाया जाने वाला एक प्रकार का हिरण है ये, और यह मणिपुर का राज पशु है, इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, और यह पशु अभी लुप्तप्राय पशु है, मतलब बहुत कम है कम दिखते हैं। स्थानीय तौर पर जो संगाई नाम, इसको संगाई नाम से पढ़ते हैं, तो संगाई नाम से पुकारे जाने वाला यह जो हिरण है ये केवल कैबुल लामजाबो नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, और अगर आप देखना चाहें तो ये है संगाई, आपको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, तो ये है संगाई की फोटो। प्रश्न क्रमांक 13 ये है, इस छवि में जो व्यक्ति नज़र आ रहे हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण है। तो अब मुझे दोस्तों पहली बात तो हमें ये पोस्ट आई हुई है, हम आपको साफ कर दें तो मतलब बता दें स्पष्ट कर दें, हमने वो छवि देखी नहीं जो छवि कंटेस्टेंट को दिखाई गई होगी,
अब सही जवाब भी इसका जो विकल्प रहे होंगे, अगर छवि दिखती तो उत्तर जो भी है पता चलता, पर हमें जो पोस्ट आई उसके या हमने जिन लोगों से बात किया तो उनके मुताबिक इस प्रश्न का उत्तर सरोद और अमजद अली था। मतलब अमजद अली की फ़ोटो जो है वो, मतलब अमजद अली की फ़ोटो दिखाई गई थी जिनसे हमारी बात हुई है ऐसा कह सकते हैं, और वो कौन सा वाद्य बजा रहे। तो अगर अमजद अली की फ़ोटो थी तो फिर सरोद ही सही होगा। अब हमने वो क्योंकि यह यंत्र पूछा गया है और जो बजाने वाले हैं उस्ताद कह सकते हैं, तो उनकी फ़ोटो दिखाई गई थी, मतलब व्यक्ति की फ़ोटो दिखाई गई थी। अब हमने उस व्यक्ति को ही नहीं देखा तो आप को सही उत्तर नहीं दे सकते। और हमें जो पोस्ट आई उसमें उत्तर सरोद लिखा था और अमजद अली भी वहाँ पे क्लियर था कि अमजद अली की फ़ोटो दिखी और सरोद का जो है वो बजाते हैं करके। अमजद अली की फ़ोटो होगी तो सरोद बिल्कुल सही जवाब है। अब हमने वो व्यक्ति जो है जो बजाने वाले हैं उनको देखा ही नहीं, तो हम इस उत्तर की कोई क्या बनेंगे शाश्वती नहीं देते, इस उत्तर को कंफर्म नहीं करते, पुष्टि नहीं करते। पर आपको हम इमेज दिखा रहे हैं, अगर ये अमजद अली खान है अमजद, तो ये दिख जाएंगे। अगर ये होंगे तो आपको दिखेगी, अगर आप नेट पर अमजद अली खान जो है उनको चेक कर सकते हैं। अगर हम इनके बारे में बताएं तो अमजद अली खान बंगश जो है वो सरोद प्लेयर है, और ये जो फ़ोटो हमने अभी दिखाई आपको ये अनीस कुडियाथुर की खींची हुई है और विकिपीडिया से हमने साबार ली हुई है। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी, मतलब हमें इन्हें इमेज ही नहीं देखी तो हम कंफर्म नहीं बता सकते दोस्तों। पर मेरे ख्याल से सरोद, जैसा कि हमने जानकारी पाई है उसके मुताबिक सरोद और अमजद अली खान ये दो, मतलब अमजद अली खान की फ़ोटो थी और सरोद सही उत्तर था। 14वां प्रश्न है, किस पर्वत शिखर के नाम का अर्थ संस्कृत में चमकीला या श्वेत पर्वत होता है? धौलागिरी इसका सही जवाब है। और मैं मराठी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं महाराष्ट्र का निवासी हूँ, और महाराष्ट्र में धवल एक स्पष्ट शब्द है और धवल का मतलब होता है मराठी, सॉरी धवल का मेरे मतलब मराठी में धवल का अर्थ होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद श्वेत जो है वो धवल का अर्थ होता है। हम मराठी में लोकल लैंग्वेज में डायलैक्ट जिसको बोलते हैं, डायलैक्ट में मतलब उधर हम मराठवाड़ा तरफ की अगर बात करें तो उधर ढौड़ा भी बोलते हैं धवल यानी सफ़ेद कलर को। तो इसका सही उत्तर है धौलागिरी। धौला वर्ड में ही इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है, हम कह सकते हैं श्वेत छुपा हुआ है। तो धौलागिरी का नाम जो है वो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। अब धवल जो है वो सफ़ेद वर्ड है, हमें नहीं पता था, मतलब संस्कृत वर्ड है हमें नहीं मालूम था, और इसका अर्थ होता है श्वेत, चमकीला, सुंदर, और गिरी का मतलब पर्वत तो सभी को पता ही है, तो धवलागिरी सही है। अगर इसके उत्तर के तौर पर हम और बता दें धवलागिरी पर्वत के बारे में, आपको कुछ और जानकारी दे दें कि धवलागिरी जो है वो हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडकी नदी से आरंभ होकर 120 किमी दूर स्थित भेरी नदी तक चलता है, और इस पुंजक का जो सर्वोच्च पर्वत है 8167 मीटर, 120 फुट, यानी कुछ 120 कुछ लिखा है हमें कन्फर्म देखना, 120 फुट कुछ ऊंचा होगा, 26,795 फुट ऊंचा धवलागिरी एक जो है वो है, जो विश्व का 7वां सर्वोच्च पर्वत भी है। आप दोस्तों यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है मेरे, मैंने जहाँ से जानकारी ली कॉपी पेस्ट करने में या एडिट करते वक्त कुछ मिस हुआ हो सकता है, आप थोड़ा सा विकिपीडिया पर जाकर पढ़ लीजिएगा। और इस जी हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सही आ गया, और ये जो धवलागिरी पर्वत की फ़ोटो है ये है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मुझे तो इमेज में, ऐसा लग रहा है कि इसको मैं बिल्कुल जो है फ़ोन का वॉलपेपर रख लूँ और ज़रूर रखूँगा मैं। और ये जो इमेज है ये धवलागिरी पर्वत की है, ये भी पब्लिक डोमेन में है, विकिपीडिया से ही हमने ली है, पर ये भी पब्लिक डोमेन में है करके हमने इसका क्रेडिट किसी को नहीं दिए। अगला सवाल था, आमतौर पर इनमें से कौन सी गैस अग्निशमन यंत्र में उपयोग की जाती है? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रश्न के लिए हमने कुछ जो विकिपीडिया के एक पेज से जो है हमने थोड़ा सा कुछ लिखे थे यहाँ पे, अगर आपको शायद ना दिख रहा हो, प्रेशर टाइप्स, हाँ, दीज एक्सटिंग्विशर्स यूज कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड आपको बिल्कुल लिंक में था तो बिल्कुल वो ब्लू कलर में भी क्लिक हो रहा होगा, इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन, ऑल्दो नाइट्रोजन कार्ट्रिज जो भी है आप आगे पढ़िए, वो मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ता। और ये कुछ है यहाँ पे, आप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अगर जानना चाहे तो आप इंटरनेट पर पता कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें होती है। और अगर आपको एकदम डिटेल्ड उत्तर उसका जानना है वो भी हिंदी में, तो हम एक कोरा साइट हम स्वयं भी यूज़ करते हैं, अगर आपने भी करना चाहिए, अगर आप नहीं करते तो वहाँ पे आप
आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ भी सकते हैं, और अगर आपके प्रश्न का किसी ने उत्तर दिया है तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो हमने जब हम चेक कर रहे थे तब हमने बहुत ही खूबसूरत सा उत्तर देखा, मतलब पूरा डिटेल्ड उत्तर देखा। तो हालांकि उन्होंने भी स्वयं लिखा या कहीं से कॉपी पेस्ट किया पता नहीं, पर हमें वो विकिपीडिया पर सॉरी कोरा साइट पर बहुत अच्छे से उत्तर मिला, डिटेल उत्तर मिला। तो हम उस उत्तर की जो कॉपी है पेस्ट करके उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे, एक तो कोरा पर ही का ही देंगे या कोई और देंगे। आगे 16वां प्रश्न था, अष्टाध्यायी की रचना की थी किसने की थी, ये प्रश्न चाहिए शायद। तो उसका सही उत्तर है पाणिनि। पाणिनि को आपको पता होगा कि व्याकरणकार या व्याकरण के निर्माता के रूप में पहचाना जाता है। तो अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी का मतलब यह है आठ अध्याय, अष्ट यानी आठ अध्याय। तो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित यह संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जो 700 ईस्वी पूर्व में बना हुआ है, और इसमें जैसा कि नाम में ही है आठ अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय में चार पाद है। पाद मतलब यहाँ पे इसका गलत मतलब मत लीजिएगा, इसका मतलब है पद, और प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र है। और इस प्रकार अष्टाध्याय में आठ अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर कुल लगभग 4000 सूत्र है लगभग। प्रश्न क्रमांक 17, किस देश के नाम पर 1918-1919 में फैली इन्फ्लुएंजा महामारी का नाम पड़ा। अब दोस्तों एक पोस्ट आपने भी पढ़े होंगे, इवन टीवी पर वगैरह भी वो चीज़ आई है कि हर 100 साल में महामारी आती है, 1920 में आई थी और अब 2020 में जो है कोविड-19 या कोरोना वायरस की महामारी आई है, ये एक पोस्ट फैल रही है। एक्चुअल ये कुछ हद तक सही भी हो, पर हर ऐसा नहीं है कि हर एक 100 साल में आती है बराबर गिनकर, और जो पिछली 1920 में जिसको बताया जा रहा है जो आई करके, वो 1920 में नहीं आई थी, वो 1918-1919 इस पीरियड में आई थी। तो वो पोस्ट तो पहली बात गलत थी, और जिस पोस्ट को बताए थे हैं या जिस पर क्लेम किया गया है जो दिखाया जा रहा है वो पोस्ट के बारे में ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेन। जी हाँ, स्पेन में एक महामारी आई थी जिसको इंग्लिश में स्पेनिश फ्लू और हिंदी में स्पेनी फ्लू कह सकते हैं। ये हुआ था, ये महामारी थी 1918-1919 में, और सबसे पहली इसकी जो पहचान है वो 1918 के आरंभ में कंसास के कैंप फंस्टन की अमेरिकी सैन्य परीक्षण केंद्र में की गई थी। अक्टूबर 1918 तक जो है सभी महाद्वीपों में फैलकर इसने एक विश्वव्यापी विश्वमारी का रूप धारण कर लिया था, जैसे कि ये वाली अभी कोरोना फैला है पूरे विश्व में उस तरीके से, और अंत में इसने लगभग एक तिहाई वैश्विक जनसंख्या या कह सकते हैं कि 500 मिलियन व्यक्ति, 500 मिलियन मतलब आप सोच के देखिए, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 5 मिलियन मतलब 50 लाख, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़, और 500 मिलियन मतलब 50 करोड़, तो 50 करोड़ लोगों को संक्रमित कर दिया था। 6 महीनों में इसने लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए, 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ लोग मारे गए, और भारत में लगभग 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 लोग, अमेरिका में 6,75,000 लोग और ब्रिटेन में 2,00,000 लोग मारे गए, मतलब कि जान चली गई। कितनी भयावह रही होंगी आप सोच के देखिए, क्योंकि अमेरिका में कोविड से भी इतना कुछ नहीं हुआ, 1,70,000 लोग मारे जाना बहुत बड़ी बात है, और उस वक्त जब देश की आबादी भी उतनी नहीं थी। तो अभी हाल ही में CDC मतलब ये जब पोस्ट लिखी गई होंगी तब, अभी हाल ही में CDC के वैज्ञानिकों ने इसके विषाणु का पुनर्निर्माण किया जिसके अध्ययन अलास्का के परमाफ्रॉस्ट मतलब कि जमी हुई जमीन के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है, और उन्होंने इसकी पहचान एक प्रकार के H1N1 जो मतलब जो विषाणु को कहते हैं, तो H1N1 विषाणु के रूप में की थी। अब इसमें आप एक इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इमेज, जिस तरीके से अभी कोविड-19 में इलाज के लिए बेड वगैरह की मारामारी है कह सकते हैं, उस तरीके का पूरा हाल आपको इमेज में दिख रहा होगा। और ये जो इमेज है ये सोल्जर्स फ्रॉम फोर्ट रिले कंसास इल विथ स्पेनिश फ्लू एट अ हॉस्पिटल वार्ड एट कैंप फंस्टन, तो कैंप फंस्टन के जो क्या बोलेंगे हॉस्पिटल वार्ड में स्पेनिश फ्लू से बीमार सोल्जर्स जो है फोर्ट रिले कंसास के, उनकी इमेज है ये। और ये जो है ये इमेज जो है ये ओटिस हिस्टोरिकल आर्चिव में मतलब आर्चिव के तौर पर रखी हुई है नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन के, और ये इमेज यूज़ के लिए पब्लिक डोमेन में है, विकिपीडिया से हमने ली है।
अगला प्रश्न जो 18वां प्रश्न जो है, ये प्रश्न था, एक पंक्ति में 20 बच्चे बैठे हैं, आप लगाते जाइए, 20 बच्चों में यदि रणवीर दाई ओर से पांचवा है और सलमान बाई ओर से तीसरा है तो उनके बीच में कितने बच्चे होंगे, बैठे हैं। एक्चुअली हमें ये पोस्ट जब आई तो उसमें एक्चुअली एक मतलब कुछ उत्तर भी लिखे थे, कुछ सही थे कुछ गलत थे। अब इस प्रश्न का उत्तर बहुत लोगों ने 13 दिया होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 12। अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आप बताइएगा कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं, ये भी बताइएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आपने क्या लिखा है ये विशेष तौर पर बताना हमने। और एक्चुअली 20 सेकेंड में उतना कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात है, एक्चुअली उसमें 12 उत्तर को ढूंढ मतलब लिखना। दूसरा ये कि मेरा स्वयं का मैथ बहुत कमज़ोर है, पर इतना इससे अच्छा है कि जो इंटेलिजेंस हो गया या रीजनिंग जैसा ये सवाल है तो वो मेरा थोड़ा ठीक ठाक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है। और हमने स्पष्टीकरण के तौर पर यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए आप 20 बच्चे हैं तो 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर बाई ओर से तीसरा सलमान है, हमने सलमान लिखा, फिर 4 से लेकर 15 बच्चे और लेफ्ट मतलब दाई ओर से पांचवा जो बच्चा है 20, 19, 18, 17 चार हो गए और पांचवे नंबर पर रणवीर हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो 2 बच्चों के बाद सलमान 3 हो गए, 3 तीसरे नंबर पर सलमान हो गया, आगे 17 बच्चे बचे हैं, 17 बच्चों में अगर आप उल्टे क्रम से अगर आप गिनेंगे पांचवा बच्चा है रणवीर, 17 में से 5 चले गए बचे 12, तो ये 3 और 5 के बीच में अब जो ये टोटल कुल आएगा ये आएगा 3 प्लस 12 प्लस 5 के हिसाब से 20, या 3 नंबर पर जो है वो है सलमान, 5 नंबर पर जो है वो है रणवीर और ये 12 बच्चे बीच में है, तो ऐसा सोच लीजिए। अगला सवाल था, ये प्रश्न 19वां है, दूरदर्शन के टीवी धारावाहिक विक्रम और बेताल में राजा विक्रम की भूमिका किसने निभाई थी। इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल ये सीरियल देखे होंगे अगर आप हमारी उम्र वगैरह के होंगे तो अरुण गोविल जी इसका सही उत्तर है, और ये अभी भी शायद टीवी पर जो नेशनल या जो नेशनल चैनल या मतलब दूरदर्शन के किसी चैनल पर नेशनल हो गया या भारतीय हो गया पर शायद अभी भी आ रही होगी, हम श्योर नहीं है पर शायद आ रही होगी क्योंकि फिलहाल पुराने सीरियल्स जो है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से वो आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है, जो दूरदर्शन पर टीवी धारावाहिक थी विक्रम और बेताल, उसमें राजा विक्रम की जो भूमिका है वो अरुण गोविल जी ने की थी, जिन्होंने रामानंद सागर जी के रामायण सीरियल में जो है प्रभु श्री राम की भूमिका निभाई थी, और ये सीरियल भी रामानंद सागर जी ने ही जो है बनाई हुई है, उन्हीं की बनाई हुई सीरियल है, और इस सीरियल में जो है विक्रम या राजा विक्रमादित्य का रोल अरुण गोविल जी ने किया था, और जो बेताल या वेताल जो भूत रहता है तो उसका रोल सज्जन जी ने किया था, और अगर आप उसका थिएटर का एक छोटा पोस्टर है ये एडिटेड है जो भी है तो ये आप देख सकते हैं विक्रम और बेताल का। अब 20वां प्रश्न है, इन 2020 में इनमें से किस घटना के 100 वर्ष पूरे होंगे। इसमें ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, एक चौरी चौरा आंदोलन और कुछ 2-3 ऑप्शन रहे होंगे, शायद 2 ऑप्शन और रहे होंगे। सही उत्तर है इसका, वो 2 ऑप्शन हमें नहीं पता, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा आंदोलन थे, ये 2 ऑप्शन थे इतना हमें पता है, और असहयोग आंदोलन दोस्तों इसका सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था, तो अभी 2020 चल रहा है तो 100 वर्ष असहयोग आंदोलन के पूरे हुए, और चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 का था, तो उसको जो है 2 साल बाद मतलब 2022 में 100 वर्ष उसको पूरे होंगे, तो इसका सही उत्तर असहयोग आंदोलन है। प्रश्न क्रमांक 21, अभी बस 3 प्रश्न बचे हैं, इनमें से कौन सा गाना फिल्म केसरी का है जिसे बी प्राक ने गाया है। तो ये गाना बहुत प्रचलित हुआ था, केसरी पिक्चर भी बहुत हिट हुई आपको पता है, और तेरी मिट्टी जो गाना है जो देशभक्ति पर जैसे गीत है तो ये गीत बहुत हिट हुआ, बहुत चला, अभी भी हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये जो गाना है ये बी प्राक ने गाया था। केसरी जो है अनुराग सिंह द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म है 2019 की, एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन वॉर फिल्म है, और इस फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नज़र आते हैं, और ये जो गाना है तेरी मिट्टी ये मनोज मुंतशिर सॉरी जो है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये गीत लिखा,
अर्को जो है संगीतकार, उन्होंने इसको संगीत दिया और बी प्राक ने इस गाने को गाया था। तो तेरी मिट्टी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 22, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चुनाव के बाद गठित किस गठबंधन की 2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनी है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है महाविकास आघाड़ी। ये जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, ये शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है, तो ये तीन पार्टियों की अलायंस है, आघाड़ी है। हम स्वयं महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो बिल्कुल ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट प्रश्न था, यह लोगों किस भारतीय सीमा सुरक्षा बल का है? अब दोस्तों इसका भी, ये भी इमेज वाला क्वेश्चन है, और इसकी भी क्योंकि हमने पार्टिसिपेट किए नहीं तो हमें तो इमेज पता नहीं है, और हमने जिनसे बात किए उनका, उन्होंने CRPF लगाए थे क्योंकि उनको भी इमेज नहीं दिखी थी, पर उनका कहना था कि मतलब उन्होंने भी तुक्का ही मारा, कह सकते जो भी बोलो, क्योंकि इमेज ही नहीं लोड हुई तो क्या करेंगे कोई। तो उन्होंने CRPF लगाया था और करके, और हमें जो दूसरे किसी से बात हुई उन्होंने बताया कि BSF का लोगो था, तो हमने इसमें अब हमें नहीं पता कि अब वो लोगो BSF का था कि CRPF का था, करके हम ये उत्तर आप पर छोड़ते हैं। हम आपको दोनों लोगो दिखा देते हैं, अब उससे आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आप वो लोगो काय का था। तो ये लोगो दोस्तों BSF का है, ऑब्वियसली आपको जो लोगो आया होगा उसमें BSF तो लिखा होगा नहीं, क्योंकि BSF लिखा होता तो किसका है करके पूछती ही नहीं, ये BSF नाम हटाकर आपको लोगो दिया होगा, अगर दिया होगा तो BSF का लोगो इस तरीके का है। और दोस्तों अगर नीचे, सबसे नीचे अगर मान लो टैगलाइन रही होगी, ब्रीद वाक्य जो बोलते हैं वो अगर रहा होगा तो जीवन पर्यंत कर्तव्य या ड्यूटी टिल लाइफ, तो ये अगर लिखा हो तो वो जो है BSF का लोगो है। और CRPF जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो उनका भी लोगो बिल्कुल इसी तरीके का है, पर बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है दोस्तों कि BSF के लोगो में जो है अशोक चक्र नहीं है, CRPF के लोगो में अशोक चक्र भी है, और अशोक चक्र के साथ साथ भारत का जो फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, वो भी है, जो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं। ये CRPF का लोगो है दोस्तों। अब आप देखिएगा कि आपको उस लोगो में क्या था, अगर आप वो, अगर जो आपको याद आ रहा होगा तो जो भी है CRPF या BSF में से, अगर अभी आप दोनों लोगों को आपने देखे होंगे तो जो भी है वो सही उत्तर होगा। और हमारी जानकारी के हिसाब से आई थिंक, मतलब मुझे पक्का तो नहीं बता सकता, पर BSF का लोगो होने के चांसेस ज़्यादा है। अब ये वीडियो आपने देखे उसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। आपके सवाल या सुझाव कुछ भी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपने अभी अगर ऑनलाइन ऑडिशन में अगर हिस्सा लिया है तो आपका ऑडिशन कैसा गया वो भी कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हो सकता है कुछ दिक्कत वगैरह हो सकती है, जैसा कुछ को इमेज नहीं खुली, कुछ को कुछ प्रॉब्लम हुई है, और वीडियो अपलोड अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आई थिंक वो तो 12 बजे तक करना था, आज आखिरी दिन था, तो आपने किए ही होंगे, ज़रूर करिए। और हमने सजेस्ट भी किया था कि कल ही अपलोड कर दीजिएगा, आज का इंतज़ार मत करना करके। और अगर आपने अभी ये वीडियो पूरी देखे है, यहाँ तक अगर आपने पूरा विदाउट स्किप किए अगर देखे हैं, तो आपके कितने सही, मतलब सवालों के जवाब सही हुए हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो पूरी देखने के लिए आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, और इस जो ये जो वीडियो है ये लंबी हुई है, पर इसमें हमने हर एक पूरे के पूरे 23 सवालों के डिटेल्ड जवाब दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सवाल तो पहुँचे, सवालों के जवाब भी पहुँचे, पर जवाबों के साथ में हमने जो उसका स्पष्टीकरण दिया है तो वो भी पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक सवाल के जवाब के स्पष्टीकरण में कई सवाल छुपे हुए हैं। हो सकता है आपको इन स्पष्टीकरण में हमने जो बातें कही है, हम कभी भी क्लेम नहीं करते कि हमारा सवाल KBC का है, और इस तरीके के सवाल KBC पर पूछे जाएंगे। हमारे दर्शक कहते हैं कि आप जो है सवालों की वीडियो बनाओ, हम जानबूझकर इस तरीके की वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हमें पता है कि हमें स्वयं को नहीं पता KBC कब क्या पूछ डालेगा, तो हो सकता है इनमें से भी कोई पूछ ले, तो कोई बोल नहीं सकते,
करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे जो अपडेट्स है, हमारी जो भी सूचनाएं है इस चैनल पर डाले गए वीडियोज़ की, वो आपको तुरंत में जल्दी से जल्दी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। With the bills.